सितंबर है, आज राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है, तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस में है कि हम लोगों को सभी जीवों के प्रति क्या करना है, आदर और सम्मान करना है। सभी जीवों को अगर संरक्षित रखते हैं तो हमारा पृथ्वी भी संरक्षित रहेगा, हम भी संरक्षित रहेंगे। देखिए एक कहानी मैं सुनाता हूँ, छोटा था, एक गधे की कहानी। गधे की कहानी, एक गांव में एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार एक माँ देवी का मूर्ति बनाया, इतना सुंदर मूर्ति और इतना आकर्षक मूर्ति था कि बहुत दूर के लोग उसको ले जाने के लिए आया, तो भेजना था। मूर्ति बड़ा था, सुंदर था, तो मूर्तिकार में अपने दोस्त था बगल में धोबी जाति का, उनसे गधा लिया और उस मूर्ति को गधे पे लाद दिया। और जब रास्ते में मूर्ति लेके गधा जा रहा था तो देखा जब मूर्ति माँ का सुंदर, तो जो लोग को भी नजर पड़ता था वो माँ को प्रणाम करता, लेकिन गधा को लगा कि हम ही को लोग प्रणाम कर रहा है। गधा को लगा कि हम ही को प्रणाम कर रहा है, कुछ फिर आगे बढ़ा, आओ प्रणाम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते गया। तो गधावा को घमंड होने लगा, गधावा को लगा कि अब तो हमको प्रणाम करने लगा, तो गधावा को घमंड होने लगा। तो गधा को लगा कि अब कहने तरीसा अंगड़ाई ले, उसमें घमंड आया तो करने लगा हे, अब उसको घमंड आ गया। जब घमंड आया तो क्या हुआ, फिर जो उसका था, जो सोच था और सोच के अनुसार जो घमंड हुआ, उसकी सारी चीज बर्बाद हो गया। और हमें एक कहानी से सीख है कि हमें कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, और सही जो मेरा काम है उस काम के प्रति लगना है। हमारा कौन सा काम स्थान है, उस स्थान पे हम अपनी ईमानदारी से काम करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं।